देखो जब मृत्यु के उपरांत भगवान के पास जाएंगे ना, तो हमसे दो प्रश्न किए जाएंगे। और ये मत पूछना कि तुमको कैसे पता हो के आ गए हो क्या। नहीं, हो के तो नहीं आए अभी, पर ऐसा सुना पढ़ा है तो सो बता रहे कि जब मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमसे दो प्रश्न करेंगे, और उन दो प्रश्नों पर ही हमारा फेल और पास होना डिपेंड करता, उसी पे निर्भर है। और दोनों जो ईच क्वेश्चन जो है वो 50-50 नंबर का है। दोनों का जब आंसर यस में होगा तब टोटल 100% मिलेगा और तब पास होगा। 100 मार्क्स लाना जरूरी है पास होने के लिए वहां। तो बताइए दो प्रश्न कौन से। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न जब भगवान के पास जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, भगवान पूछेंगे, मैंने तुझको दुनिया में भेजा, मनुष्य बनाया, देव योनि, देवता जिसके लिए तरसते वो मानव बना के दुनिया में तुझे भेजा, जितना तुझे जीवन दिया क्या तू उतने जीवन में खुद आनंद में जिया, तूने अपना जीवन आनंद में खुशी से बढ़िया मौज से आनंद में तूने जीवन जिया। अब सोचो उत्तर, आप सोचो, अपना अपना सबका अलग अलग उत्तर होगा, बताओ मत पर सोच लो क्या क्या उत्तर होगा। आंसर यस होगा कि नो होगा। अगर यस होगा तो 50 नंबर मिल गए। लेकिन अब 50 पर पूरा खेल डिपेंड करता है। और अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, अगर आपने ये कहा कि हाँ मैंने अपना जीवन बड़े आनंद से जिया, तो अगला प्रश्न ये होगा कि जो तूने जीवन आनंद तुझे मिला, क्या तूने उस आनंद को दूसरे लोगों में बांटा, दुनिया में जीवों को, दूसरे लोगों को, प्राणियों को, क्या वो खुशी वो आनंद तूने बांटा। अगर इसका उत्तर भी हाँ में ही आया तब 100 नंबर और पास, और अगर नहीं तो फिर धरती पे फेंक दिए जाएंगे, जाओ वापस दोबारा घूमो, चक्कर लगाओ, अब फिर से तैयारी करो इस दो प्रश्नों की। तो ये दो प्रश्नों की तैयारी सबकी रहनी चाहिए पहले से ही, फिर मत कहना बताया नहीं था। भगवान के पास जाके बाना भी नहीं कर सकते हमको पता नहीं था, अब तो पता है। भगवान पूछेंगे कितना जीवन में आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं है कि जीवन में प्रभु हमारे तो दुख तो आएंगे ही आएंगे, दुखों के बगैर किसी का जीवन आज तक चला नहीं, कोई दुनिया का ऐसा राजा कोई महाराजा पैदा हुआ नहीं जिसके जीवन में दुख ना आए, बड़े से बड़े देवता कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आए हो, विपत्तियां ना आए हो। कष्ट के बगैर जीवन तो पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरा है जीवन। लेकिन उस दुख में भी हंसते मुस्कुराते प्रभु नाम का गुणगान करते, जो भगवान जैसा दे दे उसमें आनंद में रहे, तब भगवान कहेंगे हाँ ये आदमी, इसको मैंने मनुष्य बना के कोई गलती नहीं की, ये एकदम सही इसने जीवन जिया। तो अब आनंद में जीवन, और फिर उस आनंद को दूसरों में बांटना। जब वो आनंद हम दूसरों में बांटने लग जाते तो भगवान की नजर हम पे पड़ने लगती है। एकनाथ जी, स्वामी श्री एकनाथ जी गंगोत्री से गंगाजल भर के अपने सर पर रख करके रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम उस गंगोत्री के जल से स्नान करने के लिए जल लेके आ रहे थे, गंगोत्री से रामेश्वरम कितना लंबा मार्ग रास्ता, और सर पर घड़ा रख करके वो जल लेके आ रहे थे। पूरा रास्ता महीने भर में पार किया, और जब रामेश्वरम पहुंचने वाले थे उससे पहले एक जंगल पड़ा, उस जंगल में रुके, और रुके तो क्या देखते हैं, एक गधा प्यासा, एकदम प्यास में
पड़ा हुआ था, हांप रहा था, सांस नहीं आ रही थी। किसी ने राह चलते ने बताया, महाराज कई दिन से ये भूखा प्यासा पड़ा है, जरा इसको आज जल नहीं मिला, पानी इसके भीतर तो मर जाएगा। जैसे भगवान एकनाथ ने सुना कि इसको प्यास लगी है, ये जल चाहिए, मर जाएगा, सो उन्होंने अपने घड़े से जो गंगा जल भर के लाए थे ना स्नान के लिए, अभिषेक के लिए, उस जल को गधे के मुख में डाल दिया। अब रागीर ने कहा, राम राम राम, ये क्या कर दिया आपने, अरे इतनी दूर से मेहनत करके आप चल करके आए और आपने इस गधे को पानी पिला दिया, अब रामेश्वर भगवान को क्या चढ़ाओगे, किसका अभिषेक करोगे आप? तो एकनाथ भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि भैया, अगर मुझे मेरी नजरों को इस गधे में अपने रामेश्वरम भगवान नहीं दिखे ना, तो पक्का कह रहा हूं मुझे वहां जाकर के भी मेरे भगवान नहीं दिखने वाले, वहां जाके भगवान नहीं मिलने वाले, इसमें भी तो मेरे भगवान है। ये सोच के मैंने जल पर, और जैसे ये बोला ना एकनाथ जी, गधे से स्वयं श्री रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए, जो परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि हमको कहाँ कितना, हमको एक मंदिर की बाउंड्री में बांध के रख रखा है कि यह सारे जगत में हमको देखता है। बोले वाह वाह, आज एकनाथ जी आपने बड़ा, अब देखो ये जीवों के प्रति आनंद देने की जो भावना, वही हमें भक्त बनाती है, वही हमें भगवान की कृपा दिलाती है। So, ये दो प्रश्नों का उत्तर, यही मृत्यु की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी और कोई नहीं। वैसे तो कौन मरना चाहता है, अपनी मर्जी से तो कोई दुनिया में मर, अगर भगवान ये मर्जी हमारे हाथ में दे देते ना, तो आदमी को खींच खींच के मरघट ले जाना पड़ता, अर्थी से उठ जाए, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। मरने से डरते तभी तो हम सारे कितने सारे काम करते, भगवान हमको मरण आने वाला इसकी चेतावनी देते, बाल सफेद कर दिए, ये भगवान ने वार्निंग दे दी कि भैया सावधान, अब तुम्हारा समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पहले तो यही लक्षण होते थे बुढ़ापे के, अब तो खैर कलयुग है, अब तो कुछ भी हो सकता, तो बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, पहले यही लक्षण था, बाल सफेद मतलब बुढ़ापा निश्चित, अब मृत्यु की तैयारी। पर आदमी मृत्यु की तैयारी की तरफ ध्यान नहीं देता, उससे बचने का ध्यान दे लेता है, जा करके ब्यूटी पार्लर में लाल हरे पीले काले सब करवा लेगा और सोचेगा बच गए हम। पर ठाकुर जी कहते, बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे, अगली बार भगवान क्या करते, अगली बार आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आदमी चश्मा लगवा लेता है, आजकल और टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, आजकल चश्मों की भी जरूरत नहीं, वो लेंस आ गए हैं, वो आंख में लगा लेते, पता ही नहीं लगता कि ये बेचारा दिखता नहीं इसको। तो भगवान ने दोबारा संदेशा भेजा, नहीं सुना, नहीं देखा उस संदेश, भगवान तीसरा संदेशा भेजते हैं, तीसरा संदेशा क्या भेजते हैं बताइए, तीसरा संदेशा भेजा, जो बत्ती सी खिल रही है ना ऐसे, ये सबरी एक एक करके झड़ जाती है, सब एक एक करके संग छोड़ने लगते, सब विदाई ले लेते हैं। भगवान कहते हैं, तूने खूब गट्टे की सब्जी खाई, बाटी खाई गर्मा गर्म, चूरमा खाया, पिज्जा बर्गर खाया, अब दलिया खा, खिचड़ी खा और हरी गुन गा, पर ऐसे कैसे हार मान लेंगे हम कि हम बूढ़े हो गए हैं, तुरंत दांतों वाले डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएंगे और पहले से भी बढ़िया चमचमाते भाई, एकदम सफेद ट्यूबलाइट जैसे चमकते भाई दांत लगवा लेंगे। पर अंत में ठाकुर जी कहते, मैं तुझे इतनी चेतावनियां दी, इतनी वार्निंग दी, तू समझा नहीं, फिर अगली बार तो सीधा फिर संदेशा नहीं, फिर तो बुलावा आएगा, और बुलावा जब आता ना, तो फिर इंसान कहता, अरे पता ही नहीं मौत कब आ जाए, कब नहीं, भगवान ने बार बार तुमको सावधान किया था कि सावधान हो जाओ,
और तुम हुए ही नहीं। मृत्यु को याद रखना बहुत आवश्यक है। जो कभी मृत्यु को नहीं भूलेगा ना, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सावधान रहेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा हमारा।